शॉपिंग करनी है? नहीं शॉपिंग नहीं, हम मलेशिया से शॉपिंग करते हैं। जब से दुबई आए हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बड़ी मैचिंग की है मेरे साथ। आपका इंडिया का वीजा नहीं लगा था, आपको इंडिया लेके जाओ। ये हम ये वाली राइड लेंगे, ये बड़े मजे की लग रही है और डेंजरस भी लग रही है। ये स्कैम है, मैं नहीं खेला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो बेसिकली आज हम लोगों ने जाना था दो जगह पे, दो एक्टिविटीज करने जाना था, लेकिन माशाल्लाह से जो मेरे साथ लोग हैं वो उठते ही इतनी जल्दी है कि हम जा नहीं पाते। तो हमने डिसाइड किया अब एक ही जगह जाएंगे और दूसरी जगह कल जाएंगे। तो अभी सब निकले नाश्ते के लिए, वहाँ पे इकरा अरूब साथ वहाँ पे दूसरे कमरे में है, तो उनके पास जाते हैं, देखते क्या सीन है, जाते हैं नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आज हम कहाँ कौन सी जगह जाएंगे। और ये देखें यहाँ से कितनी प्यारी मस्जिद नजर आती है यार, ये बहुत लगती है। मैं सुबह उठ के इसको देख रहा होता हूँ, इन्होंने बहुत प्यारी मस्जिद बनाई हुई है। बस अभी निकलते हैं उनके पास जाते हैं, तीनों के पास देखते हैं क्या सीन है। लेट्स गो। तो गाइस हम लोग निकला है नाश्ते के लिए, ये दो लोग रेडी हैं, ये मैडम भी रेडी हैं, चलें जी। yes. फिर क्या सीन है आज का यार? पहले खाना शाना खा लेते हैं, और अब तो थोड़ा शाम हो गई है, तो मैंने सुना शाम को ग्लोबल विलेज खुलता है, वहाँ चले जाते हैं, वरना तो प्लान था दिन दिन को कुछ कर लेते। हम प्लान बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। अभी तक जब से दुबई आए हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन नहीं, ग्लोबल विलेज में शॉपिंग भी है, झूले भी है, गेम्स भी है, बहुत कुछ है। आप तो गए हो ना? हाँ मैं गई हूँ, मुझे बहुत मजा आया। आई रियली वांट कि आप सब लोग भी जाओ, आप सबको बहुत मजा आया। डन है भाई, डन है। बस फिर चलते हैं ग्लोबल विलेज, नाश्ता करते हैं, ग्लोबल विलेज चलते हैं, ठीक है? फिर पहले जाके तैयार होते हैं, फिर ग्लोबल विलेज। ओके जी, ओके। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मॉल, तो फिर क्या खाना खाने का दिल है? मैंने मुझे आज आप जो कहेंगे ना मैं वो खा लूंगी। जाके देखते हैं अंदर क्या सीन है, तो फिर जाके डिसाइड करते हैं क्या। काफी चीजें हैं यहाँ पे, काफी चीजें जो आप। मैंने अल बेक खाना, यहाँ पे होगा अल बेक। जब गुमराह करने जाएंगे ना इंशाल्लाह, तब खाएंगे, वहाँ पे खाएंगे। शॉपिंग करनी है? नहीं शॉपिंग नहीं, हम मलेशिया से शॉपिंग करेंगे। मैंने सारी चीजें अभी बता दी, सारा प्लान करने पहले बना दिया, बनाया हुआ मैंने। मैंने सोचा मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या लेना है, अभी जाते हैं देखते हैं क्या। वैसे मेरा बहुत दिल चाह रहा है मैं यहाँ अरीब से कहूँ इकरा के लिए सेइंग यस चैलेंज। गाइस बस हो गया, बस हो गया, सेइंग यस हर बार ये सेइंग यस आगे शुरू होती है। आपका यस था, मेरा फॉर्मेट रखा था, आई वांट आपकी से। अभी चलते जाके नाश्ता करते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फूड कोर्ट में। तो इकरा ये क्या है? खट्टू गली? खट्टू नहीं, अरे खाओ गली। खाओ गली क्या खाए यहाँ से? लाओ कुछ देखे, यहाँ पे काफी कुछ है, डिसाइड करते हैं। अरूप और साथ आगे निकल गए, उनको ढूंढते हैं, तुम पकड़ते हैं। तो लोग आगे आगे जा रहे हैं, वो अपना खाना ढूंढ रहे हैं, हम देख रहे हैं कहाँ से खाना अच्छा मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा है लेकिन अच्छा बहुत कम है। लेकिन अभी कुछ मजेदार सा पहले फ्रेश जूस वाला, क्योंकि नाश्ते का टाइम है। A few moments later. खाना शाना हमने खा लिया था, अब निकल रहे हैं वापस होटल के लिए, क्योंकि हमने भी जाना है ग्लोबल विलेज। जल्दी से जाकर तैयार होते हैं, ग्लोबली घूमना है हमने, जल्दी से जाकर तैयार होते हैं फिर निकलते हैं ग्लोबल विलेज। क्या इतर क्षेत्र वगैरह है? चितर भी है। सो लेट्स गो। सो गाइस मैं हो गया रेडी, हम निकलने लगे हैं भाई जाना ग्लोबल विलेज के लिए एक घंटे बाद। बड़ी मैचिंग की है मेरे साथ, मैंने हर चीज आपके साथ की मैच रखी है सूट के। लेकिन ज्यादा प्यारा मैं लग रहा हूँ माशाल्लाह, मुझे तुम लग रही हो, इसलिए कह रहा था। चलो जल्दी से निकलो, उनको पिक करें, उनको उठाएं, कहीं सोना दे, इंतजार करते करते फिर निकलते हैं। मुझे लग रहा है सो गए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिलायबल ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है बिनोमो। बिनोमो पे आप एक सक्सेसफुल ट्रेड से 90% प्रॉफिट कमा सकते हो, और यहां पे 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट भी है, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत आसान बनाती है। और अगर आप बिगिनर हो तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि बिनोमो आपको देता है वेलकम बोनस, अनलिमिटेड डेमो अकाउंट, इजी ट्रेनिंग और बहुत ज्यादा कूल प्राइसेस। और यहां पे काफी सारे मोड ऑफ ट्रेनिंग है, जिसमें है क्लासिक FTT, 5 सेकंड ट्रेड्स, और आप अपने मोड के मुताबिक यहां पे ट्रेड कर सकते हैं और 90% प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलें अब आपको एक ट्रेड करके दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक एसेट सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम फोरकास्ट करेंगे कि ये अप जाएगा या डाउन। मैं इसको अप पे ट्रेड करूंगा, कुछ सेकंड वेट करेंगे, एंड यस मेरा फोरकास्ट बिल्कुल सही निकला। और जीता हुआ प्रॉफिट आप बहुत इजीली विड्रॉ कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू या किसी भी बैंक ट्रांसफर के थ्रू। तो आप अब किस चीज का वेट कर रहे हैं? मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाके इसको डाउनलोड करें और बिनोमो के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें। तो गाइस सब रेडी शेडी होकर नीचे आ गए हैं, ये भी आ गई है, रूप भी आ गई है, साथ भी आ गया, ठीक है। तो बस अब निकलने लगे हम ग्लोबल विलेज के लिए, काफी लेट हो गए हैं। हमेशा आपको आपका फेवरेट कंट्री कौन सा? मेरा फेवरेट कंट्री पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान डन, दिखाते हैं ग्लोबल विलेज का पाकिस्तान कैसा है। हम लोग निकल गए हैं ग्लोबल विलेज के लिए। हाउ आर यू ब्रदर? आई एम गुड ब्रो। ब्रदर यू आर फेमस, यू नो दैट? सोशल मीडिया पे मशहूर हो गया भाई। हां जी, बिकॉज हमने कहा था ये तो अंग्रेज है भाई, बार बार चला के ये तो पाकिस्तानी है ये। चले बस निकलते हैं, पहुंचते हैं, लेट्स गो। हम लोग पहुंच गए ग्लोबल विलेज। क्या कैसल है सामने यार, क्या प्यारा व्यू है। अभी अंदर जाके देखते हैं और क्या क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज है यार। यहाँ तो बड़ी दुनिया ही हुई है, ग्लोबल
ग्लोबल विलेज इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ बड़ी दुनिया ही हुई है यार, दुनिया का पिंड है ग्लोबल विलेज। हाँ वो देखो गाड़ियां ही गाड़ियां, हमको एंट्री मिल गई है इन टिकट्स के बिहाफ पे, अब चलते हैं और लूट लेते हैं सारा मेला। मंदिर एंटर हो गए और सामने ही आया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, देवी तो देखो। वाह भाई वाह, अंदर तो अलग ही माहौल है। घंटाघर ये ना हैरी पॉटर की मूवी होती थी उसमें एक ऐसी होती थी गली, वो बिग बैंग का क्लॉक है। किसका क्लॉक है? लंदन, लंदन, लंदन भी आ गया, ये यूएस भी आ गया है। वो असल में आप लोग सो गए थे ना वो डंकी देखते देखते, वरना आपको पता होता कि ये क्या है। अब हम असली में जब जिंदगी में कभी लंदन जाएंगे ना फिर देखेंगे। साथ आपका इंडिया का वीजा नहीं लगा था, आपको इंडिया लेके जाओ। यहाँ पे हम सारे मुल्क घूमेंगे जहाँ वीजा नहीं लगता। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, पहला मुल्क जो हम फिरने लगे हैं वो है इंडिया। यहाँ पे सारे अरबियों की चीजें हैं या पाकिस्तानियों की, हमें समझ नहीं आ रही है। एक इंडिया की इंडियन साड़ियाँ ढूंढते हैं, साड़ियाँ ढूंढते हैं, साड़ियाँ इंडियन। अच्छा यार ये तो सारे एक जैसे ही अंदर से हैं, सब कुछ एक जैसा है। ये तो फायदा फिर इंडिया लगता है, ये लगता है घूमने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है एक बार देख लिया अब चलते हैं। सो गाइस हमने इंडिया घूम लिया, यहाँ से निकलते हैं किसी और मुल्क जाते हैं, लेट्स गो। हां जी अब हम जाने लगे हैं फलस्तीन, चले फलस्तीन जाके देखे, फिर अंदर जाके देखे फलस्तीन कैसा है। मैंने मेरा बड़ा ख्वाब था कि मैं लाजमी जाती, बट अभी इंशाल्लाह जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे, मौका मिला तो जरूर जाएंगे। अल्लाह पाक के हालात सही करे, आमीन आमीन इंशाल्लाह, और हमारा वो वाला मुल्क भी जल्दी सही हो जाए तो हम जाएंगे। आओ जी चलो जी अब फलस्तीन जाते हैं। सो गाइस हम लोग एंटर हो गए फलस्तीन में। हाय ब्रदर हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम गुड, प्लीज टेल मी व्हाट इज मोस्ट फेमस इन पैलेस्टाइन, दिस इज मोस्ट फेमस मुस्लिम, यस यस, दिस वन ब्रेड वाज ज़ातर, आई वांट टू ट्राई, प्लीज ट्राई, मिर्ची है। This is enough. Wow, wow. ये तो खट्टा है। वो हंस रहे। वो तो देखें। ये खट्टा है। This is salty. This is salt. This is salt. Salty. This is salt. तो भाई मुझे अभी तक सबसे अच्छा ना पैलेस्टाइन लगा, यहाँ का कल्चर, यहाँ की चीजें, तो मुझे अभी तक तीन मुल्क में हमें सबसे अच्छा ये लगा। तो गाइस हम लोग बहुत दिनों से दुबई में, और अपना मुल्क बहुत याद आ रहा था, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो सामने देखा है पाकिस्तान, तो भी चले पाकिस्तान जाके देख के आते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान देख के आते हैं, मैं तो घर भी चले जाते हैं, मेरा वो रह गया था कुछ सामान समून, वहाँ जल्दी से जाकर लेके आते, चलो जी लेट्स गो। मैं ये कह रही थी कि हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में और यहाँ जो पाकिस्तान बनाया हुआ क्या फर्क है। यहाँ पे भी सारी अरबी वाली दुकानें होनी है, पाकिस्तान जैसा कुछ भी नहीं होना हो सकते, कराची की कोई दुकान हो, कोई यहाँ भी स्मॉग होगी। तो जी हम पाकिस्तान एंटर हो रहे हैं, ओए होए मीनारी पाकिस्तान नजर आ गया मुझे, और काफी चिंची भी है, अंदर चलते जाके देखते और क्या क्या है। ये अरबी चीजें यहाँ क्यों पड़ी है, मैंने कहा है ना ये इन लोगों ने हर जगह ये सारे स्टॉल लगाए हुए हैं, तो अंदर से प्रॉपर वैसा नहीं है, ऐसे होना प्रॉपर वैसा चाहिए था। लिबर्टी मार्केट में उसमें क्या फर्क है, क्या लिबर्टी मार्केट, हाँ ये लग रहा है, ये लग रहा है प्रॉपर वही है। सो गाइस हम लोग आ गए थे यहाँ पे, डांस परफॉर्मेंस होने लगी, देखते हैं कौन है, लेट्स सी। और यहाँ पे लोग देखो कितना रश लगा हुआ है, सब हम आ गए हैं। ये कोरिया है यहाँ पे, ये अमेरिका है, और ये जापान है। अमेरिका के वीजा, अमेरिका का वीजा वैसे तो मिलता नहीं, ऐसे ही चलते हैं। क्यों नहीं मिलता, मिलेगा इंशाल्लाह मिलेगा, आओ चलें लेट्स गो। सो गाइस हम अंदर एंटर हो गए हैं अमेरिका के, और अमेरिका तो मुझे अमेरिका कम, ये दुबई ज्यादा लग रहा है। अच्छा हर जगह पे दुबई की चीजें हैं, यहाँ पे इतना कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बस सारे सेम ही हैं, हर जगह सेम ही है, जो भी पवेलियन जा रहे हैं सारे सेम ही है, इतना डिफरेंट कुछ भी नहीं है ना, नहीं लगा, बस शॉपिंग ही नहीं हो रही, बाकी सब तो ठीक है, बस नाम चेंज किया हुआ है और बाकी बाहर से स्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है, दैट्स इट। सऊदी अरेबिया बाकी चीजें सारी वो एक जैसी है, सब एक जैसी है, लेकिन यहाँ पे उनके कल्चर खाने हैं, हाँ यहाँ पे शूज वगैरह चीजें वगैरह पड़ी हुई है, अब यहाँ से निकलते हैं देखते कहीं जाते हैं। तो भाई अब बारी है जापान की, मेरे ख्याल से ये आखिरी है, इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, सारे तो सेम है यार, जापान तो फुल कल्चरल है, यहाँ पे तो काफी चीजें हैं, कोई भी चीज अरबिक नहीं, सारी जापानी, हाँ ये है एक वाहिद चीज है जहाँ पे इन्होंने अपना सारा कल्चर दिखाया हुआ है। तो भाई जापान भी वो अच्छा है, पवेलियन अब मजा आया, अब यहाँ से निकलते हैं देखते कहाँ जाते हैं, ये पहले बोबा टी पियेंगे फिर आगे निकलेंगे, लेट्स गो। हाँ जी फिर राइड्स पे हम आ गए हैं, यहाँ पे हम राइड्स देते हैं, ठीक है, आई एम रेडी, सबने लेनी है राइड्स, हां मेरे लिए, चलो जी आओ जाते हैं राइड्स लेते हैं, लेट्स गो। तो गाइस हम लोगों ने डिसाइड किया है हम ये वाली राइड लेंगे, ये बड़े मजे की लग रही है और डेंजरस भी लग रही है, उधर बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, तो अब यहाँ पे हम आए हैं और ये चेक करो, वो क्रेजी है, ये नहीं ले पाएंगे हम, बहुत तेज है भाई, ओह
डिसाइड करते हैं ये अभी करना है कि नहीं करना। तो भाई हमने ये वाली गेम खेली है और इकरा जीत गई है। हैं नहीं मैं हाँ मेरा हस्बैंड जीता तो मैं ऑटोमेटिक। वाह जी वाह। तो हमने मिला है थैंक यू। कैसा लगा तुम्हें? मुझे एक जो हम जीते थे वो ग्रे वाला था, मैंने ये एक्सचेंज कर लिया, अभी ये मुझे क्यूट लगा, ये मैं रखूंगी, ये मैंने बिल्ली के लिए रखा। चले जी अरीब साहब ने, चलो लेट्स सी अरीब जीत के दिखाना है। स्लोली उन्होंने स्लो कहा है। हाँ अरीब यू बी जेंटल विद द बॉल। अच्छा मेरे ख्याल से अगर आप कैश नहीं करेंगे तो हो सकता है अंदर चला जाए। ये स्कैम है, मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये देखो जब ये खुद हारता है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से चला कहेंगा। ये हारा मजा आ गया। मैंने ना मैंने देखा था कि एक बंदा ना पहले मैं देख के गया था। हाँ। वो तेज मार रहा था और रुक जाता था। अरे उसके पास ना कोई इंजीनियरिंग कोई फिजिक्स की टेक्निक, वो मारता ऊपर की साइड से, वो होता था कि वो गेम नहीं थी, ये वो ही थी यार। लेकिन उसने आपको पहले इंस्ट्रक्ट किया कि बी जेंटल लाइक यू ट्रीट योर वाइफ। यार जेंटल ही था आपने वो। ऐसा जेंटल किया टच जेंटल हो पे जंदा है। चलो गाइस यहां पे ग्लोबल विलेज हो गया है बंद, ये देखे सब अब वापस जा रहे हैं और हम भी निकल रहे घर को, लेट्स गो। तो जी हमने ये चिंची पे बैठ गए, यहाँ ये चिंचे में छोड़ने जाएगी वहाँ पार्किंग के बाहर, क्योंकि बंद हो गया था तो गाड़ी बाय करनी पड़ी है, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, लेट्स गो। ठीक है लेट्स गो। वो दोनों आगे बैठ गए हैं, हम दोनों यहाँ बैठ गए हैं। A few moments later, तो खाना खाने आ गए थे, लेकिन ये देखें आज की जनरेशन फोन 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 बस फोन और कोई काम नहीं है। तो चले हम खाना खाते, चले हम खाना, चले हम खाना खाते हैं बस यहीं बोल रहे हैं। मैच बुक है तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। खाना खाते हैं, लड़ने लग गए लोग, देखते हैं। खाना शाना हम सब ने खा लिया और ये सब सफाया हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब निकलते हैं और पहुंचते हैं होटल, लेट्स गो। हम लोग होटल आ गए थे, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। और ऐसे हवा चल रही है, ऐसे सारा तेज हवा यहीं पे आ गई है, अंदाजा हो जाएगा कितनी हवा चल रही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।